Assalamu alaikum, my name is Khan Sher and I am a qualified cricket coach from PCB. कि कौन कौन से तरीके कार है जिसके ऊपर आप अमल करके अपने फास्ट बॉलिंग के कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम तरीका आपको बताएं, आपको समझाएं, आपको एक्शन करके दिखाएं, आपको इम्प्लीमेंट करके, आपको शो करके, ताकि आप उससे इजीली अपने जो पॉइंट है आप इसको कैच कर सकें। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा ग्रिप, हाउ टू ग्रिप द बॉल। एंड ये बॉल है, ये बॉल की सीम है और सीम के ऊपर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है आपकी सीम के स्टिचेस के ऊपर आएगी और जो मिडिल फिंगर है आपकी सीम की दूसरी साइड के स्टिचेस के ऊपर आएगी। तो ये हमारी बॉल होगी, ये ग्रिप होगी आपका। ग्रिप के दरमियान इस साइड पर आपका दो उंगलियों का फासला होना चाहिए ताकि आपकी बॉल आपके अच्छी ग्रिप हो सके। तो ये बॉलिंग ग्रिप आपके सामने आ गई है कि हाउ टू ग्रिप द बॉल। इसके बाद जो हम लोग जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वो है रन अप। सबसे पहले आपने अपनी स्टेपिंग काउंट की है बॉलिंग क्रीज से लेकर आपके जो फिनिश, जहाँ पे आपका रन अप जहाँ फिनिश हो रहा है वहाँ पे आपने मार्क कर देना है। इजीली सिंपल वे इसका, उस जितने स्टेप आपने काउंट किए, जो स्टेप आपका फॉर एग्ज़ाम्पल राइट फुट आपका फिनिश हुआ आपके रन अप पे, तो आपने राइट फुट से ही स्टार्ट लेना है उसको। तो जैसे आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे तो ईज़िली आपका रनअप जो है वो स्मूथली रहेगा। रनअप के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है आपने लीन फॉरवर्ड रनअप होना चाहिए। लीन फॉरवर्ड मींस यानी थोड़ा सा झुका हुआ रनअप आपका होना चाहिए, यानी आपने इस वे में आपने रनअप स्टार्ट करना है थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा झुक के और रनिंग पोजिशन में, यानी स्लो से आपने फास्ट की तरफ जाना है। तो लीन फॉरवर्ड का मतलब ये कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, देन लिटिल बिट फास्ट, देन फास्ट, उसके ऊपर आपने आना है रनअप के ऊपर। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो रनअप मोमेंटम है, जो रनअप फ्लो है, वो आपका इजीली डेवलप होगा।